नमस्कार मित्रों, आज हमारी मौजूदगी है मालती चौहान के मायके में। और देखिए, हमारे भैया बहुत बड़े सिंगर हैं भैया। हाँ, राम जी की नगरी से हैं और मैं गायक करमचंद देहाती अयोध्या श्री राम जी की नगरी से। इनके चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ ज्यादा हम गाना बजाना नहीं गा सकते क्योंकि आज श्रद्धांजलि समारोह है। श्रद्धांजलि में हम लोग सम्मिलित हुए हैं। आज 13 ही हमारे यहाँ बोला जाता है, यहाँ 16 ही बोला जाता है। तो भगवान उनके अपने चरणों में मालती जी को स्थान दे। बहुत अच्छी यूट्यूब पर क्रिएटर महिला थी वो। यूट्यूब के क्षेत्र में गोरखपुर संत कबीर नगर धरती पर बस इतना कहना चाहूंगा कि वो जहाँ रहे खुश रहे, इंसाफ हो बस। तो दोस्तों, आप देखे भैया जी को जो रखा की और चंदा भाभी की स्टूडियो वाले भैया जी, और इनसे मिलकर बड़ी खुशी मिली, लेकिन आज यहाँ पे खुशी नहीं मिली, इसलिए मालती चौहान जी का हाँ, आज ज्यादा नहीं ब्रह्म बोलेंगे है। उसके बारे में। और बाकी स्टूडियो पर आइए, कहीं मिलिए, जो हमसे सवाल पूछेंगे वो जवाब देंगे। आज जो है मालती चौहान जी का जो है ब्रह्म भोज है, और हम लोग सभी यूट्यूबर भाई और थोड़ा ग्रामीण भाई भी जो आए हैं यहाँ पर जो है कि इनको श्रद्धांजलि देने के लिए कि आज मालती जी का ब्रह्म भोज है, तो उसी उद्देश्य से हम भी आए हैं दोस्तों। और देखिए, हमारे भैया का चैनल जो है कि और उत्तर प्रदेश अपनी आवाज में आप सभी का स्वागत है। तो और क्या कहना चाह रहे हैं कि आज जो पाटिल जो मालती जी का क्या हुआ है उसके बारे में? तो दोस्तों देखिए, बहुत ही हम लोगों के अच्छी यूट्यूबर थी मालती चौहान, और इनके कातिल को सजाएं मिलना चाहिए चाहे जो हो। दोस्तों देखिए, आज मीडिया के लिए लोग कर रहे हैं, मीडिया वाला वीडियो कोई मत बनाइए, क्योंकि तो आज ब्रह्मभोज है यहाँ पर जी। तो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो भी कातिल है मालती चौहान जी का जी, उनको सजा होना चाहिए और सलाखों के अंदर होना चाहिए। होना चाहिए। और बता रहे हैं लोग कि और भी जो 3-4 लोग हैं और तो हाँ, हो सकता है उनमें से ही कोई हो। अच्छा, ये बहुत संदिग्ध मामला है, बताया जा रहा है कि कई उनके साथ मिलकर ऐसा किए हैं, तो बनेगा ये मेरे साथ उत्तर प्रदेश।